प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में जमाल कवि का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है, जो इस प्रकार है। जमाल कवि भारतीय काव्य परंपरा से पूर्णतः परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचनाकाल लगभग संवत 1627 अनुमानित किया गया है। इनके नीत और श्रृंगार के दोहे राजपूताने की तरफ बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे सादे सरल ढंग से की गई है। जमाल का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे अवश्य मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं, जो इस प्रकार है। पूनम चांद कुसुंभ रंग नदी तीर दुम डाल, पूनम चांद कुसुंभ रंग नदी तीर दुम डाल, रेत भीत भूसली पणो एथिर नहीं जमाल, रेत भीत भूसली पणो एथिर नहीं जमाल। रंग ज चोल म जीठ का संत वचन प्रतिपाल, रंग ज चोल म जीठ का संत वचन प्रतिपाल, पाहण रेख रु कर्मगत एकिम मिटय जमाल, पाहण रेख रु कर्मगत एकिम मिटय जमाल। जमला ऐसी प्रीति कर, जमला ऐसी प्रीति कर जैसी केस कराए, कै काला कै उजला जब तब सिर सिउ जाए, कै काला कै उजला जब तब सिर सिउ जाए। मनसा गो गाहक भये, मनसा तो गाहक भये नैना भये दलाल, मनसा तो गाहक भये नैनन भये नैना भये दलाल। धानी बसत बेचै नहीं किस विधा बने जमाल, धानी बसत बेचै नहीं किस विधा बने जमाल। जमाल कब के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।